वेलकम टू नेपाल. पर जाएंगे हम देखेंगे कि टी कैसे प्लक होती है. आई एम करंटली एट मेरिक लेक, सो दैट्स व्हाई आई बॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आई होप आप लोग अपने घर में खुश होंगे. सो गाइज, आज मेरा ना लास्ट डे है यहाँ पे दार्जिलिंग में. हम कल आए थे एंड कल का एक्सपीरियंस आपको पता ही है. तो आज हम आए हैं एक ऑफ बीट टूर लेके, जो इधर दार्जिलिंग के अंदर नहीं है बट उसके आसपास है. एंड आई एम करंटली एट मेरिक लेक. ये देखो, ऐसी लेक है ये. एंड ये काफ़ी लाइक पीसफुल जगह है, लाइक यहाँ पर कोई भी नहीं है. बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में. सो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है. अभी हम चल के देखेंगे आगे और क्या है, क्योंकि इधर तो बस मेरे को पानी ही दिख रहा है. एंड पता है यार, मेरा ना पेट ख़राब हो चुका है. इतने मोमोज, इतने नूडल्स, इतने पता नहीं क्या क्या खा के. एंड कल मॉल रोड पे हमने नूडल्स खा लिए थे एंड आई थिंक उसकी वजह से हो गया. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यू नो किसी अच्छी जगह से खाओ. डोंट ईट रोड साइड बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू सूट यू. सो आई मेड दैट मिस्टेक, आई होप यू गाइज डोंट. तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि मेरे एक लेक में और क्या क्या है. मैंने सुना था यहाँ पे बोटिंग भी होती है. पता नहीं बोटिंग होती है, मेरे को तो सिर्फ पानी दिख रहा है. एंड ये काफ़ी पीसफुल जगह है, लाइक बर्ड्स की आवाज़ आ रही है एंड पानी है बस. सो इफ़ यू वांट लाइक यू नो कम एंड चिल समवेयर पीसफुल, यू कैन कम हियर. सो गाइस, चलते चलते मैं इसके ना थोड़े पास आ गई हूँ अब. एंड यहाँ पर ना बोटिंग हो रही है, जो मेरे को वहाँ नहीं दिख रही थी पीछे. सो यहाँ मेन वाला है जहाँ पे बोटिंग होती है. यहाँ पे सारी बोट्स पार्क्ड है. ये देखो, ये सारी बोट्स लगी हुई हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे कोई कर भी रहा है बोटिंग. सो देखते हैं, क्योंकि हमारी तबीयत तो ख़राब हो रही है. पता नहीं हम करेंगे या नहीं. मेरी मॉम की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और यहाँ पर कोई चीख भी रहा है. हेलो. सो पानी तो काफ़ी हरा लग रहा है, कोई क्लियर वाटर तो है नहीं, गंदा लग रहा है पानी. सो गाइस, अब हम आ चुके हैं टी गार्डन एंड हम जा रहे हैं ऊपर. यहाँ पे काफ़ी बड़ी चढ़ाई है. सो वापस ऊपर जाएंगे एंड देखेंगे कि टी कैसे प्लक होती है एंड कुछ खरीद के भी लेके आएंगे. सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ टी गार्डन. ये देखो, ये पूरा टी का गार्डन है. यहाँ पे सारी टी उग रही है. सो भाई बहुत थक गई हूँ मैं. एनीवे, आई एम अनवेल बट या दिस इज़ व्हाट द टी लुक्स लाइक. ये इसका पत्ता है, एक मिनट दिखाती हूँ आपको. ये ऐसा पत्ता है इसका, लुक्स प्रीटी डिफरेंट. तो उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें से टी निकलती है. सो अभी ये सारी टी प्लकिंग करते हैं ये लोग यहाँ पे एंड फिर उसके बाद प्रोसेस होके देन हमें मिलती है. सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी. मैं ना एकदम टॉप पे आ चुकी हूँ. ये देखो, पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा. एकदम टॉप पे हम एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ का. देखो, सारे टी गार्डन्स है. एंड अगर आप दार्जिलिंग आओ तो टी गार्डन तो ज़रूर आने, क्योंकि वो यहाँ की स्पेशलिटी है. एंड बिना टी देखे आप कैसे जा सकते हो वापस. सो दिस इज़ द टी दैट दिस पीपल प्लक. एंड ये वाला जो प्लांट होता है ना, दिस इज़ एवरग्रीन. तो ऐसा नहीं होता कि अगर ये एक बार यू नो कि उसने टी दे दी उसके बाद ये मर जाएगा और समथिंग. जैसे बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, बट ये वाला जो प्लांट है इट्स एवरग्रीन एंड ये कभी भी डाई डाउन नहीं होता, विच इज़ सो कूल. क्योंकि ऑब्वियसली नॉट ऑल प्लांट्स कैन सर्वाइव दैट वे, बट या दिस इज़ प्रीटी मच इट. सो गाइस, हम एक टी शॉप पे आए हैं एंड यहाँ पे ये आंटी टी बेच रही हैं. सो शी इज़ टेलिंग अस कि कौन सी टी ज़्यादा अच्छी है एंड कौन सी नहीं है एंड उसके प्राइसेस. सो अगर आप आओ तो आप यहाँ से ले सकते हो टी. ये फर्स्ट प्लस इस बार का, ये ताजा एकदम फ्रेश ये टी है. And it smells really good. 4000 kg. So guys, अब हम पहुँच चुके हैं नेपाल बॉर्डर एंड उसको बोला जाता है पशुपति फाटक. तो अभी हम देखेंगे कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आई एम नॉट कैरियंग माई हार्ड कॉपी वाला आधार एंड आई हैव लाइक अ पिक्चर, बट लेट्स सी कि अंदर जाने देते हैं कि नहीं, क्योंकि नेपाल तो भाई देखना है मेरे को. सो चलो चलते हैं फिर. एंड यहाँ पर शॉप्स देख लो कैसी है, छोटी छोटी शॉप्स है. ये तो अभी भी दार्जिलिंग है, बट यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कहाँ पे है वो फाटक. सो गाइज, मेरा नेपाल का तो हो चुका है. देखो पीछे ना ये बॉर्डर है फाटक टाइप एंड दिस इज़ व्हाट डिवाइड्स इंडिया एंड नेपाल. सो दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर यू विल कम फ्रॉम. इधर आईडी दिखानी पड़ती है. सो गाइज, अब मैं पहुँच चुकी हूँ नेपाल एंड यू गाइज कैन सी इट सेज वेलकम टू नेपाल. हम बॉर्डर पार करके आ चुके हैं. सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी शॉप्स है. ये देखो,
से इतनी प्यारी और छोटी शॉप्स है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। आपको ना आईडी दिखानी पड़ेगी अपनी, बिकॉज बिना आईडी के दे डोंट अलाउ यू टू गो, सो यू विल डेफिनेटली हैव टू शो योर आईडी। एंड अभी हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कैसा है नेपाल। हम ना वॉशरूम घूम लेते, बिकॉज मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है। सो दिस इज़ लिटरली लाइक दार्जिलिंग, क्योंकि एक बस बैरियर का डिफरेंस है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं अलग। दार्जिलिंग जैसा ही लग रहा है मेरे को। ये देखो, इधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे को कुछ ऐसा अलग से तो लगा नहीं। एंड बस मेरे फ़ोन पे लिखा आ रहा है कि एनसेल और समथिंग, वो नेपाल का कोई होगा सर्विस प्रोवाइडर की कोई चीज़ होगी, बट या लिटरली द सेम। एंड अभी हमने कैब ली थी 300 रुपये की, तो कि उधर वो तुम्हें सारा टूर वगैरह करा देते हैं नेपाल का। अभी मैं वॉशरूम से होके आई हूँ एंड मैं वेट कर रही थी वो मैसेज कब आएगा जिसका सब वेट करते हैं, एंड दैट इज़ वेलकम टू नेपाल। आपको दिखा देती हूँ गाइस, देखो तो लिखा आ रहा है वेलकम टू नेपाल। सो आई जस्ट टोल्ड यू ना कि बस एक बॉर्डर का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो यार फील्स वेरी डिफरेंट। यहाँ पे ना नेपाल की करेंसी चलती है एंड इंडियन रुपीज़ दोनों। ये देखो यहाँ पे नेपाल की करेंसी पड़ी हुई है, सो यू कैन बेसिकली पे इन बोथ, बी इट नेपालीज करेंसी और इंडियन रुपीज़। सो अभी हम कुछ छोटे से एक स्टॉल पे रुके खाने के लिए, फिर देखती हूँ कि क्या खाते हैं। मेरा तो पेट ख़राब है, मेरा मन नहीं है, मेरे को कुछ पीने का मन हो रहा है, बट पता नहीं यहाँ मिलता है कि नहीं। सो चलो लेट्स सी। हम ना पशुपति टेम्पल जा रहे हैं एंड यहाँ पे ना एक चढ़ाई है, तो वो चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो पशुपति टेम्पल है। हम ना मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हैं। देखो पीछे और यहाँ पे भी है, ये ओमनी चलती है यहाँ पे एंड 300 रुपीज़ लेते हैं वो, एंड दे ड्रॉप यू समवेयर और ओनली जहाँ पे भी आपको करना है। मार्केट आप पैदल घूमोगे, सो अभी हम घूम रहे हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पे। वैसे अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मेरे को, सारी दिल्ली वाली चीज़ें ही हैं। ये कितने के हैं मैगनेट? 100 का। नो सेम, या कॉस्मेटिक देख सकते हैं। हाँ टी, व्हाट टी? हैव टी, व्हाट इज दिस? दार्जिलिंग टी। ये कौन सी चाय है? ऑटोडॉक्स। व्हाट इज दैट? दार्जिलिंग का तो आपको मिलेगा भी, दार्जिलिंग में खुद नहीं मिलता है, फैक्ट्री से बाहर चला जाता है, फॉरेन कंट्री। उधर भी दार्जिलिंग का नहीं होता, दार्जिलिंग का नहीं मिलता। तो लेट्स टेक द टी एंड मूव फर्दर। इसको दूध में भी बना के पी सकते हैं ये चाय? दूध में भी बन सकता है? पहले ही आप डाल दीजिएगा, ठीक है? अच्छा दूध में ही डाल दे, पानी नहीं? पहले आप इसको ना क्या कीजिएगा, बॉईल नहीं करना, बॉईल नहीं करना, पहले डाल दीजिएगा। अच्छा। उसके बाद ठंडा पानी में, उसके बाद मिल्क वगैरह ऐड कर दीजिए। अच्छा सीटीसी के साथ पीजिएगा तो और भी अच्छा। किसके साथ? एक नंबर चाय अच्छे, एक नंबर। किसके साथ पी सकते हैं? सीटीसी चाय पावा जाए, एक खाने। ठंडा पानी में पहले ही डालिएगा इसको, ठंडे पानी में डालें। अच्छा जब बॉइल हो जाएगा तब मिल्क डालिए। अच्छा और अगर ब्लैक टी पीना है तो मतलब जब उबल जाए उसमें थोड़ा सा डालिए। अच्छा ज्यादा नहीं डालना, ठीक है। पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट है भैया, कुछ पीने के लिए नींबू पानी वगैरह भी नहीं है। मैं ना भाई थक चुकी हूँ, ये मोमो पोमो खा के मेरे बस की नहीं है इतना मोमोज चबाना। नेपाली बच्चे दिख रहे ज़रूर मेरे को प्यारे से। गाइस यहाँ पे ना अल्कोहल एकदम खुले में बिकती है, ऐसे नहीं है कोई ठेका प्रॉपर बना हुआ है दिल्ली की तरह, इट्स लाइक ओपन। सो गाइस अभी हम ना नेपाल बॉर्डर के पॉइंट पे रुके हुए हैं, यहाँ पे ना क्यूट सी शॉप्स है। ये देखो ये सारी ना शॉप्स हैं, यहाँ से मैंने ना भी चॉकलेट्स वगैरह भी लिए। इधर ना सब कुछ मिलता है, बहुत रीज़नेबल रेट्स भी हैं। 5 रुपये की एक चॉकलेट थी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ पे ज़रूर रुक के देख सकते हो चॉकलेट वगैरह। यहाँ से नेपाल का ना बॉर्डर दिखता है, सो इन केस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट यू कैन स्टॉप हियर एंड बाय व्हाटएवर यू वॉन्ट। चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, सो दैट्स वाई आई बॉट a lot of chocolates. So yeah, so guys I'm back in my hotel room and aaj ka pura tour kafi zyada tiring tha. Main aadhe raste to soti hi ja rahi thi. Kyunki mere ko bahut zyada neend aa rahi hai, itne din se I haven't slept properly. Literally 4-5 ghante ki neend milti hai, so usse zyada to mil nahi pati. Literally buddha jaisa lag raha hai mere ko, koi budhiya ho chuki hu main, kyunki budde hi kam sote hain. सो गाइज आज का टूर कुछ खास तो था नहीं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द नेपाल वाला चीज़ वो ज़्यादा अच्छा था, बाकी सब वही था।
तो मेरे को तो अच्छा लगा नेपाल एंड मेरी मतलब सर्विस वगैरह कुछ नहीं आ रही थी वहाँ, बट वो मैसेज तो आ ही गया जिसका मैं वेट कर रही थी इसलिए गई थी मैं क्योंकि वो मैसेज चाहती थी मुझे दिखाना, आपको शो ऑफ करना चाहती थी मैं। So yeah guys, अगर आपको ये पूरी व्लॉग की सीरीज पसंद आई हो then do give it a big thumbs up and go and subscribe to my channel right now, hit that bell icon and I'll see you in my next video. Bye guys!